हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि जो सोनालिका DI-35 है, 2024 में क्या क्या उसमें चेंजेस किए गए, वो जो बेस और टॉप मॉडल आता है उसमें क्या क्या चेंजेस रखते हैं, कितने हज़ार का फ़र्क आता है, क्या क्या चीज़ है, सारी जानकारी इस वीडियो में समझते हैं और जानते हैं। जो जो 2024 में सोनालिका DI-35 आ रहा है उसमें ये लिखा हुआ आपको मिलेगा 39 कैटेगरी, यानी 39 HP का ट्रैक्टर है ये। हाई टॉर्क 167 मीटर का, हाई पावर इंजन टॉर्क 1800 RPM। सिकंदर मॉडल लेना है तो आपको यहाँ सिकंदर है, एक और आता है एक महाराजा करके साहब, वो मॉडल दिया जाएगा, एक नॉर्मल भी आ जाएगा। ये इसका सेल दिया गया है, इसका हाइड्रोलिक, इसका सोनालिका इंटरनेशनल DI-35 लिखा है। 1800 kc लिफ्ट कैपेसिटी है, उस पर लिखा यूज़ वन होल ऑफ लोअर लिंक, इस पर नंबर भी दिए गए। सिकंदर मॉडल में जो आपको हेडलाइट है वो सिल्वर कलर में दी जाएगी भाइयों, बाकी ओवरऑल चीज़ें हैं जो उसके ग्रिल आगे से सामने, टायर, पावर स्टीयरिंग लेना है सादा लेना है। देखिए ये जो मॉडल अपन ने मंगवाया है ये अलग से स्पेशल तरीके से मंगवाया, क्योंकि इसमें सारे फंक्शन है जो एक 50 HP के ट्रैक्टर में आते हैं, जैसे कि पावर स्टीयरिंग हो गया फर्स्ट, सेकेंड अपना होगा DC ड्यूल क्लेच, इसमें देखिए ड्यूल क्लेच है, ड्यूल क्लेच के बाद इसमें रिवर्स PTO भी है, रिवर्स PTO के बाद ऑयल इमरेस्ट ब्रेक है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ऑयल इमरेस्ट ये रिवर्स PTO बंदा हो गया काम पर चलने की वजह से, ये रिवर्स PTO भी है इसके, PTO पावर यहाँ पे, और इसमें डिस्ट्रीब्यूटर भी दिया गया है भाई। इसमें ये आप पल्टी प्लव जैसे प्लव चलाते हैं, प्लव में दो होल दिए होते हैं, एक यहाँ पे लगती है एक पाइप, एक ये रिटर्न ऑयल की है, ऑयल भेजने की है। इसका डिस्ट्रीब्यूटर लीवर उधर से मैं आपको दिखा दूँगा, ये इसकी लाइट दी गई है। बाकी ओवरऑल सारी चीज़ें हम देखें, ये इसका वाटर सेपरेटर दिया गया है जिससे पानी ड्रेन कर सकते हैं। ये इसका इधर चैन बॉडी वगैरह सब अब अपन ऊपर चढ़ के देखते हैं। यहाँ भी देखो 39 कैटेगरी लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको पावर स्टीयरिंग लिखा हुआ मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान दीजिए भाइयों। दूसरी चीज ये इसका इंटीरियर लुक, सोनाली का सिकंदर RPM 100। दूसरी चीज़ है ऑयल इमरेस्ट ब्रेक, यहाँ पे लिखा दिया हुआ है, और ये इसका डिस्ट्रीब्यूटर लीवर है, अप डाउन होती है इसे ट्रॉली, अल्टरनेटर वगैरह प्लग वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। अभी रिवर्स PTO ये आप इसका देख सकते हो, गियर सिस्टम रिवर्स फॉरवर्ड सब दिया गया, ये इसका फर्स्ट गियर, रिवर्स गियर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। इसमें भाइयों एक चीज़ बहुत अच्छी कर दी गई है, जो हैंड ब्रेक दिए गए हैं उसका ये सिस्टम कर दिया गया है, इसको प्रेस करो अपनी दबाने से खुल जाता है। गुड लुकिंग स्टीयरिंग भी बहुत शानदार दी गई है, बहुत छोटी सी ये नॉक भी दी गई है, ये बहुत सारे ट्रैक्टर में नहीं दी जाती है। ये आगे की लाइट जलाने के लिए मीटर वगैरह दिए गए, ये इंडिकेटर जलाने के लिए इंडिकेटर चल रहा है, एयर क्लीन वगैरह, ओवरऑल आप वीडियो देख सकते हैं। ऐसा दिखता है सोनालिका DI-35। ये बैटरी बॉक्स दिया गया हुआ, इसमें देखो 13 से 28 टायर हैं और आगे शायद 7 650 के होंगे ये, ठीक है टायर, आगे टायर ब्रांड न्यू कंडीशन है सब, अभी लिया हुआ ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं है इसको, मतलब मुश्किल से 200 घंटे चलाया होगा, तो गंदा हो रहा है काम की वजह से। बाकी और यार वीडियो में आप सब कुछ समझ ही सकते हैं कि क्या इसमें 3 HP दिए गए हैं, आप अपने गहराई के हिसाब से इसको चला सकते हैं। अगला वीडियो मेरा कल्टीवेटर के ऊपर आएगा, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इस पर अपन कल्टीवेटर चलाएंगे तो क्या 1 घंटे में कितना लीटर डीजल देता है ट्रैक्टर, ठीक है।
धन्यवाद।